हेलो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर जो देखा वो बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकती है आर्मी ट्रेसमैन बनने के लिए आपका 8 पास होगा तो आप आर्मी ट्रेसमैन बन सकते हो। बट कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आप अगर 8 पास में अगर इस फॉर्म फिलअप करते हो या फिर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ दो तरह का काम मिलती है, जैसे स्टोर कीपर और मेस कीपर, इन दोनों में आपको 8 पास में मिल जाती है। अगर आपके पास 10th पास का डिग्री है, अगर आप 10th पास किए तो आपके लिए ट्रेसमैन बनने का जो आठवीं तरह का जो काम रहती है वो आठवीं तरह का काम में आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम आज दोनों के बारे में बात करूंगा। तो आर्मी ट्रेसमैन बनने के लिए पहला आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम आज बात करूंगा। पहला जो आती है वो एडुकेशन क्वालिफिकेशन सारे कुछ का अलग होती है। मैंने पहला वीडियो इंडियन क्लार्क, इंडियन जीडी, इंडियन आर्मी जीडी, इनके बारे में बात किया था। और इधर पर सारे कुछ का एडुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है और उनका जो एज, वेट, हाइट, वेट और फिजिकल टेस्ट सारे कुछ ऑलमोस्ट सेम था, इसलिए मैं पहले एडुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ पढ़ूंगा। उससे पहले हम जान लेंगे कौन सा पोस्ट आपको आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। तो पहला जो पोस्ट आती है बाबरची, सफाई कर्मी, मेस कीपर, पेंटर, हेयर ड्रेसर, स्टोर होल्डर, कारीगर, धातु विज्ञान, पोस्टल यानी कि डाक, कैनल मैन, वाशरमैन, एनिमल स्टोर होल्डर, इसी तरह 18 तरह का पोस्ट आपको लिए अवेलेबल रहती है। उसके बाद हम लोगों ने क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। इंडियन आर्मी ट्रेसमैन बनने के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 8 पास होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि आप इससे ज़्यादा है तो ठीक है, मिनिमम न्यूनतम योग्यता जो आपका होना चाहिए वो 8 पास होना चाहिए। और आपका 8 पास में 33% मार्क्स होना बहुत जरूरी है, 33% मार्क्स होना जरूरी है। और 8 पास में आपको दो तरह का काम मिलती है, मेस कीपर का और हाउस कीपर का काम मिलती है। और सोल्जर ट्रेसमैन बनने के लिए 10वीं पास होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10वीं पास में इस 18 तरह का काम में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी काम पर आप जा सकती हो 10वीं पास में। और उधर पर भी 10वीं में भी आपका 33% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। सो अगर आप 10th पास किए होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो उसके बाद हम जान लेते हैं एज, चेस्ट, हाइट, वेट, इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो पहले आती है एज। एज जो होती है वो 17.5 साल से 23 साल तक इधर पर एज रहती है। उसके बाद आती है हाइट। हाइट के बारे में बात करूँ तो इधर पर मैक्सिमम जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेम ही होना चाहिए और मिनिमम 157 सेम ही आपका बहुत जरूरी है। इसका होने इस पोस्ट के लिए आपका इतना हाइट होना बहुत जरूरी होती है। सो वो स्टेट वाइज होती है, स्टेट में जिस स्टेट होती है उस स्टेट का अंदर इस तरफ का हाइट या वेट, चेस्ट, इन सारी कुछ स्टेट वाइज रखी जाती है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं उनकी चेस्ट के बारे में। चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 सेमी होना चाहिए और 5 सेमी आपको फुलाना पड़ता है। उसके बाद आती है वेट। वेट जो होना चाहिए वो 48 से 50 केजी तक आपका वेट मिनिमम होना चाहिए, वो भी राज्य के अनुसार होती है। उसके बाद आपका दूरदृष्टि जांच की जाती है। उसके बाद आपको 1600 मीटर का दौड़ देना होता है और 1600 मीटर दौड़ में 5 मिनट 45 सेकंड का अंदर आपको कंप्लीट करना होती है। और उसके बाद आपको बैलेंसिंग करना पड़ती है, 10 पुलअप करना है और 9 फीट का गड्ढा कूदना है। इन सारे कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट कराएंगे और मेडिकल टेस्ट में आपका आँख, कान, दांत और बहुत कुछ बॉडी के सारे अंग आपका चेक किया जाती है। अगर आप नॉर्मल है तो आपके लिए एक एडमिट कार्ड देंगे और एडमिट कार्ड लेकर आप एग्जाम में बैठ सकती हो। और एग्जाम में और आपका जो एग्जाम है वो 100 अंक का होती है और 60 मिनट्स का टाइम दिया जाती है। इसके अंदर आपको सारी क्वेश्चन का आंसर देना है और उसमें जो आपका क्वेश्चन होती है वो हाई स्कूल का लेवल का क्वेश्चन होती है, जिनमें आपको मैथ, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आप हो तो आपको लिए 3 महीने का ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के द्वारा ही आप चुने जाती है।